मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज और पानीपत क्राइम न्यूज से आप लोगों के सामने आए हैं। और अभी वार्ड नंबर 6 के हम रामनगर कॉलोनी में हम आए हुए हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से नाली में पानी है, कीचड़ है और यहाँ पर हर व्यक्ति को, किसी एक विशेष व्यक्ति को नहीं, हर व्यक्ति को यहाँ पर आने जाने की समस्या है। और यदि किसी को जाना भी होगा तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से जाएगा आदमी। मनोज जी चलिए आइए। तो यदि कोई व्यक्ति यहाँ से क्रॉसिंग करेगा पैदल तो उसको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ईंटें डालकर रास्ता बनाया हुआ है और ऐसे ही आगे बनाया हुआ है और पूरा गली, ये एक बहुत बड़ा टुकड़ा है गली का। और ये देखिए किस प्रकार से ये लड़का कूदा है। जब इसको उस तरफ उस घर में जाना था तो मतलब इसको गली क्रॉस करते हुए जंप लगाना पड़ रहा है। यदि हर व्यक्ति को जंप नहीं लगा सकता, छोटे बच्चे जंप नहीं लगा सकते, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बुज़ुर्ग आदमी हैं वो जंप नहीं लगा सकते। ये देखिए इस दुकान के आगे इतना पानी खड़ा है, यहाँ पर आएगा कैसे व्यक्ति, इस दुकान पर आएगा कैसे व्यक्ति। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए जो यहाँ के MC हैं रविंदर जी, साथ के साथ वो डिप्टी मेयर भी बनाए गए थे कुछ टाइम पहले, और उस टाइम पे डिप्टी सीनियर मेयर दुष्यंत भट्ट जी भी थे, बनाए दो पद थे, वो दो पदों पर निर्वाचित किए गए थे, जिसमें एक रविंद्र जी को दिया गया था और एक दुष्यंत भट्ट जी को दिया गया था। और सबसे बड़ी बात इस कॉलोनी का भी ध्यान रखे, ये कितने टाइम से इस समस्या से जूझ रहे हैं और किस प्रकार से यदि इस नाली से इस तरफ से उस तरफ गली पे जाना है तो किस प्रकार से लड़का गया, उस वैसे आपने देखा भी है। तो समस्या यहाँ पर ये बहुत बड़ी गंभीर है, सोचने वाली बात है। इस पर नगर निगम पार्षद और पूरा नगर निगम कब तक इस पर संज्ञान लेगा और कब तक नहीं लेगा, यहाँ पर बताया भी गया है। संजीव जी पूर्व MC, उनसे भी हम बात करेंगे, उनका क्या कहना है, और जो मौजूदा MC हैं रविंद्र जी, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहते हैं। तो अभी यहाँ की हम जनता जो होगी हम उनसे भी बात करें। जब हम ये समस्या आप लोगों को दिखा रहे थे वार्ड नंबर 6 के रामनगर की, तो मौके पर जो ex-MC हैं संजीव जी भी साथ में आगे मिल गए, ये एक बस एकदम आ गए, तो अभी हमने इनको रोक लिया, तो अभी हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जो आपके गांव, आपके यहाँ पर कॉलोनी में ये जो समस्या है पानी की, क्या कितने दिनों से है, कब से है, जो नगर निगम के सफाई कर्मचारी आते हैं कब आते हैं, कितने दिनों में आते हैं, क्या कुछ कहना है? ऐसे अजय तो हो लिया कम से कम 2.5 साल। अच्छा। इसको जो पानी भरा रहा है यहाँ पर, और हमने कई बार कमिश्नर से भी मिले, पार्षद से भी मिले और मेयर से भी मिले, कोई समाधान नहीं, ना कोई सुनकर अजय। क्या कहते हैं? ये कहते हैं हाँ जी हो जाएगा, बस हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? हम मारते तो एक ही हफ्ते की बात करेंगे, एक हफ्ते के अंदर आपकी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन 2.5 साल हो लिए, एक तक वो हफ्ता नहीं आया जी। अब तक वो हफ्ता नहीं आया है जी। तो यहाँ पर एक बुजुर्ग भी, हम उस बुजुर्ग से बात करेंगे। ताऊ राम राम। राम राम भाई। यू जो पानी खड़ा है, हाँ जी, इसके बारे में मतलब कितनी समस्या है यहाँ से आने जाने में? यहाँ जाने में जाकर भी गड़ के जी निकलते पड़ते जी, आप भी हम भी पड़े गए जी यहाँ कई बार जी, बहुत भी समस्या है जी। बच्चे किने किने खेलते हैं, खंचे में डाबड़ते हैं, रात को दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है दिन में भी जी। दिन में तो फिर भी दिख जाए, रात में तो दिखता भी नहीं। रात में दिखता नहीं जी, हम भी कहीं में डाबड़े जी, खंचे में बिल्कुल कहते जी। कई बार आप यहाँ पे गिर भी गए? हाँ जी। तो हाँ जी, तो ये एक बहुत बड़ी बात बताई है जो बुजुर्ग है उन्होंने, कि यहाँ पर कई बार वो गिर भी गए हैं, बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और साथ के साथ एक और बुजुर्ग है, हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मतलब यहाँ पर जो समस्या है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये पानी की समस्या है जी, आज के लिए बहुत काफ़ी दिनों की होगी, 2.5 साल की बात है। रेटा लेकर हम मजदूरी करने जाओ, कभी यहाँ फंस जाओ, कभी गिर जाओ भी है।
इसमें कोई सुविधा नहीं हो रही। एमसी है, एमसी से कभी मुलाकात हुई है, कभी बातचीत हुई है उससे? एमसी के दफ्तर में जाते हैं, कहते करा देंगे अभी दो चार दिन में। यहाँ में एंडो भी नहीं आता कोई, न सफाई वाले आते हैं। एमसी कितने दिनों में आता है यहाँ पे, आता है कभी? हमने तो देखा नहीं आज, लो जब देखा ही नहीं तो वो तो कैसे बता। जब वोट, जब इलेक्शन होगा तब तो आया होगा। हाँ जब तो आते हैं, सभी आते हैं भाई। ये सब भी नहीं आते? नहीं, जब आए थे उसके बाद नहीं देखा हमने। अच्छा, तो यहाँ पर बुजुर्ग ने बताया है जब चुनाव होते हैं नगर निगम के, तब यहाँ पर जो इस टाइम पे मौजूद है एमसी हैं रविंदर जी, उनको देखा था, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे नहीं देखा। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे। नमस्कार जी। तो ये जो समस्या है इसके बारे में थोड़ा? इसके सारे सर, जब हम यहाँ से आए मकान बनाया तब से ऐसे ही देख रहे हैं यहाँ पे, तो और इसका कोई हल नहीं हो रहा है। नाम सी को किसी ने देखा हमने आज तक, बस वोट डाली थी तब का ही पता है भाई हाँ वो आया था यहाँ पे, लेकिन सुनाई में आता है कि वो आते हैं, लेकिन किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, कोई पता नहीं उनका कुछ भी। मतलब सुनने में ये आता है कि एमसी आता है, लेकिन ये पता नहीं लगता कब आता है। हाँ, किसी को पता नहीं है उनके बारे में भाई, कब आया कौन नहीं, उसकी शक्ल भी नहीं देखी किसी ने। ठीक बात है। उनके ऑफिस में भी दो बार गए हैं, मेरे हस्बैंड गए हैं, लेकिन उनसे कोई सुनवाई नहीं, कह दिया कि वो घर पर है ही नहीं है। उनसे फ़ोन भी किया है, कहते हैं आएंगे आएंगे आपसे मिलेंगे, लेकिन अब तक कोई नहीं आया है। तो जो बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी पानीपत नगर निगम में भी बीजेपी का ही शासन है, और इनके ज़्यादातर एमसी जो बीजेपी पार्टी से ही लिंक रखते हैं, और बीजेपी का सबसे बड़ा नारा है स्वच्छ भारत अभियान, और स्वच्छ भारत अभियान का एक बहुत बड़ा नमूना हम आप लोगों को इस गली में दिखा सकते हैं। और जो यहाँ के जो विधायक होंगे और जो एमसी हैं, उनसे हम दोनों से हम बात करने कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। यदि गली वाले आपकी साइड से गलत हैं तो आप गली वालों के बारे में बताओ कि नाली में, जो गली में पानी क्यों खड़ा होता है, किसकी वजह से खड़ा होता है, क्या कारण है। तो जब जनता किसी को बना सकती है तो वो जनता गिरा भी सकती है, 100 बातों की एक बात है। जब कोई किसी को बनाता है वो उसको बिगाड़ भी सकता है। तो ये बात मुझे ये नहीं पता लग रहा कि जो सत्ता में है उनको समझ में क्यों नहीं आ रही है। जो वादे चुनाव के टाइम पे चुनाव प्रचार में किए हुए हैं, वो वादे जैसे ही कुर्सी पे बैठ जाते हैं, जो पार्षद है पार्षद का, जो विधायक है विधायक का, जो मंत्री है मंत्री का, उस कैसे भूल जाते हैं कि जो कैसे, तो वो वादे कैसे भूल जाते हैं कि उन्होंने वादे भी किए थे, उसी वजह पे वोट भी मिली थी। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते थे? विधायक तो जी यहाँ पे आज तक आया भी नहीं कभी भी। आपका विधायक का क्या नाम है? महिपाल डांडा जी। महिपाल डांडा जी, हाँ जी, वो तो कभी आया ही नहीं यहाँ पे। और काले के राज में तो यहाँ पे जो हमारा काला एमसी था उसको तो बेचारे गाली भी देते थे लोग, और वो काम भी करवाता था जी, और आज भी करवा रहा जी, वो सारी जगह आगे खड़ा हो जाता है बेचारा आगे। और जो साहब जी आज भी खड़े, आज भी हमारे साथ खड़ा है जी, हर चीज में खड़ा है। मैं कहीं आज आ जाएंगे? नहीं नहीं, आज आज नहीं जी, आज आधी रात को भी बेचारे का बुलाते हैं, तुरंत आता है जी। और जो एमसी बन गया जी हमारा, वो तो कभी तो नहीं, अगला एमसी का इलेक्शन ही लड़ना हो जाए नहीं, चला इलेक्शन लड़ना हो जी, पहले भी हमारे साथ था जी, अब भी हमारे साथ है। अब भी बेचारा कर्मचारियों को बुलाता है जी, सफाई करवाता रहता है ये हफ्ते 10 दिन में, ये तो बेचारा मदद करवाता है हमारे साथ, लेवल पर काम करवाने की पूरी कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है जी अब भी जी। तो मैं तो जो भी सत्ता में है, जो विधायक हैं, जैसे बताया महिपाल डांडा जी यहाँ से विधायक है, मैं तो उनसे भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करूँगा कि हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन में जैसे आपको समय मिले, जो जो आपका एरिया है आप वहाँ पे जाएं और लोगों की समस्याएं सुने। आप अपना दरबार, आपके निवास स्थान पे दरबार लगता है, लोगों की समस्याएं सुनते हो, साथ के साथ कोशिश करो कि जहाँ पर आपका एरिया है आप वहाँ पर भी जाओ और लोगों का आप देखो कि वहाँ पर बेसिक समस्याएँ क्या क्या हैं। तो कुल मिला के तो अभी एक महिला और है, अभी हम उन महिला से भी बात करेंगे। नमस्ते जी, मैं ममता बोल रही हूँ जी। यहाँ पे जी कई बार सफाई वाले आते हैं, मैं उनको साफ साफ बोलती हूँ जी, आप ये साफ करते हो तो नाला तो बिल्कुल भरा हुआ है, तो जब नाले में जाने की रास्ता नहीं है तो ये नाली कैसे साफ होगी? नाली साफ करके चले जाते हैं, वो कूड़ा यहीं रहता है, ना कूड़ा ठाने आते हैं, ये पड़ा रहता है, और नाला आगे से भरा हुआ है जी, नाला ही रुका हुआ है, तो ये नाली कहाँ से खुलेगी जी?
बस मेरे तो इतनी है जी, नाला साफ करवाओ तो ये नाली साफ होएगी। ठीक बात है। तो एक बार फिर मैं दोबारा से जो हमारे पूर्व MCA उनसे हम बात करना चाहेंगे। तो संजीव जी, क्या समस्या है? ये नाले की बात अभी एक बहन जी ने बताई है, क्या है ये नाला, नाले में क्या है सर? ऐसा है जी, यहाँ से थोड़े से सरबती फैक्ट्री तक नाला भरा रहा, बाकी खाली है आगे। अच्छा, तो ये हमने कितनी बार नगर निगम वालों को भी कही, विधायक जी को भी कही थी, भाई अगर इसकी कटिंग कराया गया, इसकी मतलब जो रोडा पत्थर भरा हुआ है ना वो निकलेगा, 5-5 फुट की कटिंग करवाओ तो सफाई हो सके। इस और किसी का ध्यान ही नहीं है जी, ना पार्षद सुनकर राजी है, ना मेयर सुनकर राजी है, ना कमिश्नर सुनकर राजी है। मतलब जो ये कटिंग वाली बात है इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा, किसी का ध्यान नहीं जा रहा। आप बता रहे हो लेकिन वो बताना व्यर्थ है। हम चाहते हैं इस समस्या का ध्यान नहीं दे रहे, उस पे ध्यान नहीं दे रहे, वैसे आश्वासन दे देते हैं कि कर देंगे। हम किसी पार्षद की बुराई नहीं करते, हम किसी की बुराई नहीं करते, हमारा काम हो जा, हमने क्या करना है जी। जब ये समस्या हल हो जाएगी हम उसे पार्षद को भी कहेंगे, भाई धन्यवाद तेरा, तेरे का एंड हो जा, हमारे का इधर ना हो तो तेरे का एंड हो जा, या तो वो मारते ये खुंदक रखता हो भाई के यो आर्या है, पार्षद है, यो एरिया उसका है। सीधी सी बात मत, देखो एरिया किसी के नहीं होते, पब्लिक जिस दिन भड़कगी ना उस दिन पार्षद को भी पता चल जाएगा, मेयर को भी पता चल जाएगा के हो है। जिस दिन धरने पर बैठ गए ना, वहाँ उल्ला उतरेगा, जब भी तो आओगे यहाँ करने के लिए, बेहतर है अगर आज रिश्ते में वही आ जाए। आज रोड जाम करने के लिए बोल रही थी लेडीज, दिल के आज मना किया है सबसे, भाई आज रिपोर्टर आएंगे इनसे बात करते हैं पहले, नहीं आज रोड जाम करने का पक्का प्रोग्राम था हमारा पूरी कॉलोनी वासियों का, और इससे आगे जो काले MC जी बताएंगे क्या प्रोग्राम है आगे का। यदि ये गली की समस्या जो की त्यों बरकरार रहती है तो क्या आगे क्या प्लान है आपका? या चुपचाप घर पे बैठे रहोगे या नगर निगम का दरवाजा फिर से खटखटाओगे? ऐसा है जी, एक हफ्ते का टाइम हम नगर निगम को आपके माध्यम से दे रहे हैं, अगर नहीं होता फिर हम नगर निगम के सामने लोगों को लेकर बैठेंगे और तब उठेंगे जब तक हमारी समस्या का हल नहीं होगा। तो अभी हमारे जो XMC हैं और यहाँ की जो भोली भाली जनता है जिसकी हर बार वोट लेकर कोई भी, मैं किसी एक MC या एक किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, कोई भी MC बन जाता है, विधायक बन जाता है, MP बन जाता है, इस भोली भाली जनता को ने अभी एक हफ्ते का और समय दिया है, तो या तो अपने आप जो ये समस्या है इसका निवारण करवा दो, अन्यथा ये इनकी मजबूरी हो जाएगी नगर निगम के दरवाजे के सामने बैठना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे पूर्व MC संजीव जी के द्वारा कही गई बातें हैं। तो यदि जो मौजूदा MC हैं रविंदर जी, यदि वो कुछ कहना चाहते हैं हम उनके पास भी जाएंगे। मैं अपना नंबर और अपने साथी का नंबर, जो पट्टी है नीचे जो चल रही है हमारी, उस पर मैं नंबर दे दूंगा और वो फ़ोन कर सकते हैं और हम उनका भी विचार लेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। तो इस वीडियो के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।